सो हेलो एवरीवन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस तो हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्वेंटी एट अक्टूबर के दहाइनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए थे फॉर आवर एग्जाम परसपेक्टिव तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी जैसे इस वीक आपका फेस्टिवीक रहेगा आपका दिवाली के लेके तो आप थोड़ा बिजी रहेंगे आई नो थोड़ा फेस्टिवल वीक है आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए पर कोशिश करना कि आप है ना जो आपके एटलीस्ट आपका जो एनालिसिस होता है ना डेली आपका न्यूज़ एनालिसिस होता है वो तो एटलीस्ट आप कवर कर ही ले तो जैसे हमारी वीडियो आपकी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स की होती है तो अगर आप वन पॉइंट फाइव या टू एक्स पे भी देखेंगे ना तो आपका लगभग लगभग आपका फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में ये कवर भी हो जाएगा तो आप कोशिश करना एटलीस्ट ये तो आप देख ले दिन के इतना ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं ताकि आप कव अप टू डेट रहेंगे वट इज़ गोइंग थ्रू नहीं तो एकदम से है ना बहुत सारा लोड पड़ जाएगा आपका वन वीक का जो आप कवर करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से याद कर भी नहीं पाएंगे रिटेन नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस तो आज का हमारा ये इंडेक्स रहेगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी आप वो हम देखते हैं तो फर्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही थी हमारी एशियटिक गोल्डन कैट से रिलेटेड ये अभी दोबारा से देखी गई है असाम के नेशनल पार्क में तो हम देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा हैबिटेट देखेंगे इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे देन हमारा सेकेंड आर्टिकल है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड वही अगेन हर साल की प्रॉब्लम जो दिल्ली में होती है आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस क्या गवर्नमेंट ने अब तक इनिशिएटिव लिया इससे रिलेटेड और आर्टिकल को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स आए तो वो आपका आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और देन आपका थर्ड आर्टिकल रहेगा साइबर सिक्योरिटी ऊपर इसके ऊपर भी आपका इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गए हैं तो वो उसके ऊपर डाटा आपका स्टार्ट आए तो आप आंसर राइटिंग में उसको आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आंसर में उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपके आंसर की देन हमारा एफ से रिलेटेड एक शॉर्ट आर्टिकल है इकनॉमिक्स का जिसमें बात करी गई है कि जो आपका एफ पी है इस साल उस टाइम पीरियड का जो आपका फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो है ना काफ़ी आपका एट्टी फाइव थाउजेंड करोड़ से ना कम हो गया है तो दैट्स नॉट अ गुड सिनारी फॉर इंडिया तो बेसिकली आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक तो आपका एफपीआई पता हो क्या होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और आपका देन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एफपीआई और एफडीआई में होता क्या है तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें शॉर्ट में देन हमारा लास्ट रहेगा सी ट्वेंटी फाइव एयरक्राफ्ट से रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है इसमें क्या है कि हमने अभी हम लेने जा रहे हैं एयरबस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी उससे हम बनवाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो आपका टी ए एस एल है ना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तो उससे ऊपर एक एडवांसमेंट है इस न्यूज़ के ऊपर तो वो हम डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी एडवांसमेंट है आपके प्रोग्रेस करिए इंडिया ने इन चीज़ों तो क्या है टी एस एल से रिलेटेड न्यूज़ तो हम डिस्कस करेंगे चलें स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा जिसमें बात करी करिए आपकी एशियटिक गोल्डन कैट से रिलेटेड तो ये आपका बताया गया है कि आपके ये आपका जो असम का मानस नेशनल पार्क है ना उसमें देखी गई है तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका कैटूबूमा तेमी चिक्की ठीक है तो इसका नाम ही आप देख सकते हैं इसका आ, देन आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं तो देखा गया है कि जो ये है ना आपके दो में लास्ट में देखी गई थी उसके बाद अब देखी गई है तो कहीं ना कहीं दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि कहाँ चले गए थे हम तो हमने इनको एक्सटिंक्ट वाली स्पीशीज़ में डाल दिया था ठीक है या रे स्पीशीज़ बोल सकते हैं तो हैबिटेट के मामले में बात करें तो आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एवरग्री फॉरेस्ट में देखी जाती है आपके ड्राई डेसीडियस से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी एल्टीट्यूड काफ़ी अच्छे एल्टीट्यूड पे रहती है ठीक है थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन आपका दिखने में कैसी होती है वो देख लेते हैं और आपका इसका लोकेशन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सिर्फ इंडिया में नहीं आपका चाइना में भी मिलती है देन आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है और आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली वहाँ पर देखी जाती है करेक्टरस्टिक्स की बात करें तो आपका गोल्डन और रेड ब्राउन कलर में होती है और या फिर आपका डार्क ब्राउन या आपका इवन ग्रे कलर में भी देखी जाती है आपके साइज़ के मामले में बात करें तो इसका देख सकते हो आप साइज़ नॉर्मल कैट से बड़ा होता है और आपके जो लेग्स होते हैं ना वो इसके लॉन्ग होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में अलग होती है यूजल कैट से और इसका नॉक्टर्नल होती है मतलब ये रात को आपका फूड के लिए घूमती है तो ये देखा गया तो पर ये रिसेंट डाटा ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं डार्नल है मतलब दिन में भी देखी स्पॉट करी जा रही है तो वो ये दिन में ही देखी गई है और मेल फीमेल में डिफरेंस देखिए तो आपका मेल इसका बड़ा होता है साइज़ में लार्जर आपके फीमेल से कंपेरेटिवली तो यहाँ पर जैसे और आपका गेस्टेशन पीरियड की बात करिए इसका गेस्टेशन पीरियड आपका सेवेंटी फाइव टू एटी डेज़ होता है जैसे यू पी एस अभी कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा था एक दो साल पहले जिसमें एलिफेंट के मामले में बात करी गई थी तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की उम्मीद हो जाती है तो आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो आपको पता होना चाहिए तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है आपका डब्लू पी की आप में शेड्यूल वन की लिस्ट में डाला गया आई यू के इसमें आपको नियर अटेंड में है वो एक्सटिंग टू नियर अटेंड था अब देखा गया तो लेट्स सी क्या फर्दर अपडेट आएगा साइट्स में अपेंडिक्स वन की लिस्ट में डाली गई है ठीक है देन हमारा आज का इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल था स्टबल बर्निंग से रिलेटेड इसके ऊपर एडिटोरियल आया था अपने हिंदू में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा हर साल ये न्यूज़ में आता ही आता है दिवाली से आपका एक हफ्ता पहले ये दोबारा चालू हो जाता है कि काफ़ी बढ़ेगा तो हम देखते हैं ऐसा होता ही क्यों हर साल ही क्यों होता है इस टाइम तो हम देखते हैं इस आर्टिकल को मैंने पॉइंट फॉर्म में आकर कन्वर्ट कर दिया तो पहले तो हम बेसिकली जान लेते हैं कि स्टबल बर्निंग होता है कि अगर आपको नहीं पता तो स्टबल बर्निंग थोड़ा ब्रीफ में बता देता हैं स्टबल का मतलब देखा होगा अपने नाम सुना होगा आपका लोकल वर्ड होता है पराली जो आपके लेफ्ट ओवर क्रॉप्स होती है ना आफ्टर मतलब कोई आपने क्रॉप उगाई उसके बाद जो उसका नीचे का तना होता है वो तो हम काट देते हैं ऊपर का तो हम यूज़ कर लेते हैं पर जो नीचे का बच जाता है ना रेसिड्यू बोला जाता है उसका क्रॉप रेसिड्यू उसको देन हम रिमूव करने के लिए फील्ड से आपको उसको जला दिया जाता है ताकि वहाँ पर हम नेक्स्ट क्रॉप उगा सकें तो उसको बोला जाता है आपका स्टबल बर्निंग तो ये बेसिकली आपके राबी क्रॉप जैसे अभी आने वाली राबी आपकी कौन सी होती है विंटर क्रॉप तो अभी विंटर क्रॉप का सोइंग सीजन आ रहा है तो उसमें सोइंग सीजन करने के और आपके जो समर जो पहले की फसल हटाई है तो उसके बीच में ना काफ़ी टाइम का कम टाइम पीरियड रहता है किसानों के पास तो उनके लिए सबसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही तरीका होता है कि वो इस फसल को जो आपकी लेफ्ट ओवर एस है उनको जला दे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हम देखेंगे पॉल्यूशन क्रिएट होता है और वो आपका उड़ के आपके दिल्ली की तरफ आ जाता है तो ये बात करी गई थी और ये होता है कि अगर वो पराली को लंबे टाइम तक फील्ड में भी छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपके टर्माइट्स आने के पेस्ट पेस्टिसाइड होता है आपके आपके पेस्ट होते हैं वो टर्माइट्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं जो आपके अपकमिंग क्रॉप को नुकसान पहुँचाने का कारण बन सकती है और इसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं किसान है किसान आप कहना एक्सपेंसिव मेथड्स का यूज़ भी नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो जाते हैं और आपके कॉज और क्या कॉज हो जाते हैं आपके टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप भी नहीं हुई है जो थोड़ा एफिशिएंट या कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उनका हल निकाल दे चीज़ों का और आपका पहले देखा जाता था कि पहले जो आपका हो क्यों रहा है पहले भी होता था कि पहले क्या होता था जो आपका ये आपका पराली या जो रेसिड्यू क्रॉप होता है ना उनको किसान आपका यूज़ कर लेते थे किसके लिए उनसे आपके या तो कुकिंग कर लेते थे घर में अब तो क्या सारा एल पी गैस का सिस्टम आ गया और पहले वो एनिमल को वार्म करने के लिए भी इनका इंसुलेशन का काम करते थे आपके घरों में इंसुलेशन के लिए नीचे बिछा देते थे, थे जानवरों के नीचे तो उनको आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करता था कोल्ड से और क्या हो गया आपका और जो स्टबल का यूज है ना आप कहीं कही ना कहीं पुराना हो गया अब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट आपकी एडवांसमेंट आ गया ना टेक्नोलॉजी के मामले में आपका एल यूज़ होने लग गया है देन आपके इंसुलेशन के लिए अब आप, आपके क्लोथ्स आ गए या फिर कोई हीटर आ गया मेनली आपका हीटर आ गया तो वो लगा देते तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसकी वजह से नुकसान क्या होता है इफेक्ट क्या होता है तो पहला तो वही सबसे पहला तो आपका पॉल्यूशन भाई पॉल्यूशन होता है इससे बहुत ज़्यादा अब जला रहे हो किसी क्रॉप को तो उससे पॉल्यूशन होता है तो उसमें आपके कौन कौन सी गैस आपका सी एच फोर मीथेन निकलती है देन आपका सी ओ निकलती है देन आपका वी ओ सी वॉलीटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपका ये है ओलेक्लिक आपका आर्मोटिक आपका हाइड्रोकार्बन्स पर निकलते हैं उसको जलाने की वजह से तो कहीं ना कहीं दैट आर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स ऑफ द इन द एटमोस्फेयर और बात करी गई थी कि ये चीज़ें ना आपके ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट करती है कैसे फिजिकली एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से आपका जो स्मोक बन जाता है स्मोक आपका देखा होगा ठंड के टाइम में आपने देखा होगी जो आपने विजिबिलिटी ना काफ़ी कम हो जाती है तो बोला जाता है पहले तो फॉग हुआ करते थे वो तो ठीक है पर अब होने लग गया स्मोक स्मोक क्या होता है आपका स्मोक प्लस फॉग उसके अंदर आपके स्मोक के पार्टिकल्स आपके पराली के इन सब के पार्टिकल्स होते हैं कार्बन पार्टिकल्स वो ऐड होकर आपका ये बना देता है एक मोटी आपकी ब्लैंकेट टाइप लेयर बना देता है एटमोस्फेयर में जो कि काफ़ी आपके आपका, आपका रेस्परेशन में प्रॉब्लम करती है विजिबिलिटी में काफ़ी दिक्कत करती है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं दैन आपका थर्ड चीज़ है आपकी सॉइल फर्टिलिटी ये आपकी कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी ख़राब करता है कैसे जलाने की वजह से जो आपकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में वो एक तो वो ख़राब होते हैं देन आपका जो फर्टिलिटी और आपकी जो मॉइस्चर है ना वो कहीं ना कहीं उड़ जाता है जलाने की वजह से तो वही बताया गया हीट पेनिट्रेशन की वजह से और जो आपके माइक्रोब्स होते हैं जो आपके लेग्यूम होता है रेजोबियम होता है वो सब आपका आपका मरी जाता है अल्टीमेटली इन चीज़ों की जलाने की वजह से ये आप देख सकते हो ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है तो ये बताया गया था कि इतना आपका सी प्रोड्यूस होता है इतना टन आपका एसोटी एसोट्यूब प्रोड्यूस करता है इसकी वजह से आपके आंखों में इरीटेशन देखी गई है नसल प्रॉब्लम्स होती है मेन तो आपका रेस्परेशन की तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिनको पर्सन को अस्थमा की दिक्कत होती है लंग प्रॉब्लम होती है उनको तो बहुत परेशानी होती है इस टाइम में तो वही बताया गया है और आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन का पैरामीटर आता है कहाँ आपका नेचुरली ये होना चाहिए ये आपका दिल्ली में यहाँ पे पहुँच जाता है इस टाइम ये वेरी पुअर और सेवर की रेंज में तो दैट इज़ द क्वालिटी सैन स्टैंडर्ड है आपका सी पी सी बी ने बता रखा है तो ये आ जाता है इस रेंज के अंदर चार सौ से पाँच सौ से ऊपर ही जाता है पाँच सौ से ऊपर देन इसके लिए गवर्नमेंट ने अब तक क्या स्टेप लिया है तो आपका एक स्टेप तो लिया है गवर्नमेंट ने आपका पूछा डिकम्पोज़र डेवलप करा है आपकी पूषा इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्रीकल्चर वाली तो उन्होंने डेवलप करा था क्या था पूषा डिकम्पोजर वो क्या करता है बेसिकली उसमें ना आपके फंग फंगाई स्ट्रेंस होते हैं तो उनको आप क्या करते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक किसी कंटेनर में डाल के छोड़ देते हो तो फंगस आपका आठ से दस दिन में डेवलप हो जाता है देन आपको उस फंग जो आपका डेवलप करा आपने लिक्विड जो भी आपने लिक्विड डेवलप करा उसका स्प्रे कर देते हैं अपने क्रॉप से तो वो एक तरह से बायो बायोडिकम्पोजिशन का काम करता है स्टबल के लिए ठीक है तो इसमें फंगाई होती है जो मदद करती है आप कैंसर ले फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस तो ये बताया गया है कि क्या होता है आपका पच्चीस लीटर के लिक्विड में आप चार कैप्सूल ये डालते हो जैगरी डालते हो गुड डालते हो और आपका चिकपी फ्लावर डालते हो और ये आपका एक हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसका पच्चीस लीटर का मिक्सचर जो आप बनाते हो तो ये आपका लगभग लगभग है ना बीस दिन लेता है डिकम्पोजिशन के लिए मतलब जो जो आप टोट तो, मतलब जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है और अग लगभग टोटल आप देखोगे ना तो फोर्टी फाइव डेज लेता है तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं अभी भी लंबा पीरियड है किसानों के लिए तो फिर भी वो स्टिल इनको यूज़ कर सकते हैं आपको तो ये आपको टाइम प्रोवाइड कर देता है थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका ये कॉस्ट इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इससे क्रिएट नहीं होएगा तो दैट्स अ वेरी गुड वे बेनिफिट्स के मामले में बात करी जाए तो वही हो जाता है एक तो फर्टिलिटी आपकी सॉइल की ख़राब नहीं होती जो यूजफुल बैक्टीरिया होता है सॉइल में वो अभी भी मेनटेन रहते हैं ये आपका चीपर इफेक्टिव है डूएबल है, है कोई ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिस नहीं नॉर्मल पच्चीस लीटर पानी लेना चार कैप्सूल आपका गुड डालना और चिकपी फ्लावर डालना है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका इको फ्रेंडली तरीका है एनवयमेंटली यूजफुल टेक्नोलॉजी है तो आपका स्वच्छ भारत मिशन में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो यही चीज़ है दैन हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल था सी ट्वेंटी फ़ाइव डिफेंस से रिलेटेड था इसमें बात करी गई कि अभी हमने सी टू नाइन फाइव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आपका ये हम लेने जा रहे हैं मतलब तो इसके ऊपर हमने ऑर्डर दिया था पहले तो इसके बात करी कि पाँच से दस पहले तो हमने पंद्रह और लेने जा रहे हैं इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था तो इसके मामले में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इनफॉर्मेशन देख लेते हैं पहले तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल बता देता हूँ इसके मामले में तो इसमें बात करी गई थी कि बारह तो हम मैनुफेक्चर कराएंगे आपके उससे देन आपके ना कुछ मतलब फिफ्टी सिक्स देन आपके कुछ टी एस क्या है टी आपका ये बता रखा है टी आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तो ये क्या करेगी आपकी जो बाहर वाली कंपनी आपकी एयरबस वो इनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपके समझा देगी टी को तो टी अपने इंडिया में खुद डेवलप कर लेगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस डेवलपमेंट का थोड़ा सा इसके फीचर के मामले में बात कर लेते हैं कि क्यों हम ले रहे हैं तो इसका एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इसका फ्लाइट इंडोरेंस तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपका ट्रैवल कर सकता है आपका 11 घंटे इसका फ्लाइट इंड्योरेंस कैपेबिलिटी है काफ़ी मल्टी रोल ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है और आपका डे नाइट में भी काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकता है आपके काफ़ी डेजर्ट या अमेरिटाइम एन्वायरमेंट है दोनों में बहुत अच्छे से काम कर सकता है और आपका इसमें कोई रिएक्शन तो इसके पीछे एक जब ट्रूप्स एंड कारगो है वो सब ड, आप डाल सकते हो दैन आपका इसमें सेमी प्रिपेयर इसमें आपका वो भी है क्या बोलते है आप जो आपके ड्रॉप कर सकते हैं कार्गो ट्रूप्स यहाँ पे एक डेक बना रखा है तो वहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं आप कार्गो जो भी आप करना चाहते हो देन बात हो जाती है कि हम इससे पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे आपका एयरफोर्स का आपका यू ने बनाया था आपका एवरो सेवन फोर्टी एट प्लेन्स है वो हमने ब्रिटिश ओरिजिन से लिए थे जिसकी ये है कहीं ना कहीं ये काफ़ी पुराने हो गए थे तो हमें चेंज तो करने थे इसके और अब किस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा गया इस प्रोजेक्ट से हमें फायदा हो गया कि टी एस एल विल जॉइंटली एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट तो, तो ना कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इंडिजिनियसली बनाए जाएंगे तो दैट्स अ वेरी गुड फॉर इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द एयरोस्पेस सेक्टर के मामले में देन आपका एयर बस है जो डेवलप करके दे रहा है तो एयर बस आपका फर्स्ट सोलर एयरक्राफ्ट बना के देगा फ्लाईवे कंडीशन में इस टाइम पीरियड में देगा देन आपका रिमेनिंग फोर्टी आपका टी बनाएगा इंडिया के अंदर ठीक है तो आठ बना के देने का ऑर्डर दिया हर साल आठ बना के देगा इसकी कैपेबिलिटी आपका पाँच से दस टन ये वेट कैरी कर सकता है पचास पैरट रुपये अंदर ले आपके कैरी कर सकता है इसकी डायमेंशन के बता रहे है। आपकी स्पीड इसकी फोर एटी किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम स्पीड इसकी देन इससे देखा जाएगा कि इससे हमारी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपका मेन सेंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप यूज़ कर सकते हैं ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो तो इसमें बात के पहले तो बात हो जाती है कि इंडिया में अगर बनाएंगे कोई भी चीज़ तो कहीं ना कहीं वो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा इंडियंस को भी तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग तो वो बात करी गई है कि ये आपका देखो हाई आपके इसके लिए छः सौ हाई स्किल्ड जॉब प्रोवाइड करेगा देन आपका तीन हज़ार इन जॉब देगा देन आपका तीन हज़ार मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट भी देगा उसके साथ साथ आपके ये बयालीस लाख घंटे का वर्क आपका ह्यूमन वर्क चाहिए तो वो कहीं ना कहीं इंडिया से यूज़ होगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली चीज़ में ठीक है ये आपका जो इसका टाटा का कंसल्ट है वो आपका काफ़ी सेम स्टेट्स में फैला गया है तो आपके ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए पार्ट्स भी मंगाए जाएंगे तो वो आपके एम एस एम ईस अल्टीमेटली बूस्ट करेंगे एम एस एम एस क्या होती है आपकी माइक्रोस्पेस मीडियम एंटरप्राइजेज तो वो आपका ऑल ओवर द कंट्री फैली हुई है तो वहाँ से भी छोटे छोटे पार्ट हैं वो आपके मिल के बन के आएंगे यहाँ पर बड़ी मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट में तो वो आपके वेरी बूस्ट करेगा आपके एम एस एम ई को एम एस एम ई के बिज़नेस को देन आपका नेक्स्ट हो जाता है रिड्यूस सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट्स पे दूसरी कंट्रीज़ पे वहाँ पे पैसा देना पड़ता है किसी चीज़ को चाहिए तो दैट्स वो आपका खत कम हो जाएगा काफ़ी तो वही बता रखा है इन्होंने और आपका बता रखा है कि जो जो एयरस्ट्रक्चर है वो शेड्यूल है आपका मैन्यूफक्चरिंग इंडिया कहीं ना कहीं मैनुफेक्चरंग इन इंडिया होगा तो काफी स्ट्रॉंग हो जाएगी आपका मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव देन आपका बात हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो इससे अल्टीमेटली अगर आप प्लेस ला रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं हैंगर बिल्ड करने पड़ेंगे बिल्डिंग्स एप्रोन्स टेक्सीज तो उसको डेवलप करने के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होएगा अल्टीमेटली तो वही सब चीज़ें बता रखी इन्होंने ठीक है ये बता रखा है कि इंडिया में अल्टीमेटली आपके कुछ टाइम बाद इतने सारे अभी आगे भी बताए हुए वो आगे बता रखा है कि यहाँ पे आपके इंडिया में अभी काफ़ी पोटेंशियल है एक तो इन चीज़ों के लिए मतलब इस किस एविएशन के सेक्टर में आपका डिफेंस के मामले में तो ये बता रखा है कि अभी जो यूएस में एयरबस और बोइंग है उन पर हम डिपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोर्स करता है अपना पैसा इंडिया से काफ़ी तो अल्टीमेटली हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो और बात करी गई है कि इंडिया है ना लगभग आपका देखा जाए तो साढ़े मिलियन डॉलर के आसपास आपके डिफेंस का इक्विपमेंट लेता है और सर्विसेज़ लेता है ठीक है तो आपके मेक इन इंडिया और आपका मेक द ग्लोब इनिशिएटिव में सपोर्ट करेगा देन आपका ये बात करी गई कि अगले 10 से 15 साल के अंदर है ना इंडिया को 2000 मोर पैसेंजर है कारू एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी तो क्यों ना हम इंपोर्ट करें उससे बड़े हम खुद ही सीख लें अपने कंट्री में बनाना तो इंडिजिनसली बना पाएंगे तो वहाँ से आपका हमारा पैसा भी बचेगा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होएगा ठीक है देन हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल था साइबर फ्रॉड से रिलेटेड आर्टिकल आया था द हिंदू में आपका आपका एडिटोरियल आया था इससे रिलेटेड टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो इसमें मामले में बात करी गई थी कि हमारे जो आपका 24 वाला ईयर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर में बढ़ गए हैं साइबर फ्रॉड तो अभी बेसिकली हम इस पूरे डिटे पॉइंट फॉर्म में तो मैंने कन्वर्ट कर दिया और अभी अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्या इस चार्ट बता रहे हैं तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो साइबर फ्रॉड होते क्या तो होते है तो साइबर फ्रॉड होता है आपके डिजिटल टूल की हेल्प ली जाती है पर्सन को आपका पागल बनाना पागल बनाया जाता है किसके नाम पर आपका बिजनेस आपका गवर्नमेंट वो बताया गया कि जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इफार्मेशन होती है उनको लीक कर लेते हैं और वहाँ से आपका बैंक अकाउंट से आपका पैसा निकाल लेते हैं तो दैट आर आपका साइबर फ्रॉड ठीक है ये आपके बिजनेस आपके पीपल गवर्नमेंट इन सब के लिए है. तो पहली बात हो जाती है मेथड क्या है क्या क्या मैथड यूज़ करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है आपका हैकिंग हैकिंग में क्या होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम उसको हैक कर लेते हैं उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट है सीक्रेट है उसको ले लेते हैं देन का फिशिंग होता है मतलब आपके फेक ई और मैसेज के थ्रू आपको लालच दिया जाता है जैसे भाई आपकी एक करोड़ की लॉटरी लगी ऐसे समय से मालवेयर के मामले में बात करें तो आपके सॉफ्टवेयर में आपके जो वायरस टाइप आपका वायरस डाल दिया जाता है जो आपके इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेता है आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले में कोई और ही पर्सन आपसे बात करता है कि, कि मैं आपके फैमिली रिलेटिव बोल रहा हूँ तो वो फ्रॉड करके आपसे कुछ पैसे ले, ले लेते हैं देखा होगा रिसेंटली हमारे पास बहुत कॉल आने लगे हैं ऐसे कि मैं आपका ये बोल रहा हूँ मैं डिलीवरी बॉय ये वो वहाँ से वो डिटेल्स निकाल के आपको फ्रॉड पागल बनाने की कोशिश करते हैं ट्रस्ट गेन करते हैं अल्टीमेटली ठीक है स्टेटस मतलब क्या डाटा के मामले में बात करी जाए तो डाटा क्या शो करता है तो डाटा शो करता है कि इंडिया में अभी ना लगभग लगभग आपका जो पॉपुलेशन इतनी है उसमें से लीडिंग आपका ये बता रखे स्टेट्स वगैरह बता रखे इतना इतना है फॉलोड बाय हरियाणा और के कि किस नाम पे फ्रॉड करते हैं तो पहला तो थर्टी फाइव परसेंट केसिस में देखा गया है कि आपका के के नाम पे फ्रॉड करते हैं देन आपका सेक्स ऑर्शन है ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड है देन आपका एंड्रॉयड माल वगैरह इन सब चीज़ों के और इंटरनेशनल के मामले में देखा जाए तो ये आपके टैक्सटिक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पे इलीगल लोन्स गेमिंग फ्रॉड क्रिप्टो स्कैम्स मैन स्कैम आपका रैनजेम में टैक्स ये सब बताया गया थोड़ा सा मैं अब आपको बता देता हूँ कि वट आर मतलब ये जो चार्ट इस इसमें यूज़ हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आप यूज़ कर सकते हो आपको इसमें मीन्स में राइटिंग में तो पहला चार्ट तो ये बता रहा है कि जो आपके साइबर फ्रॉड का अटैक है ना वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं दो हज़ार तेईस से देखा जाए तो देखो कितने सेवेंटी थ्री थाउजेंड तब हो गए लगभग लगभग तीन लाख होने वाले हैं और आप डाटा के आपके पैसे के मामले में देखा जाए तो आपका इतना करोड़ का अब तक दो हज़ार करोड़ का ही फ्रॉड हो चुका है तो तेईस से लेकर जाओ में कहाँ कितना स्टीप राइज है फोर ट्वेंटी वन करोड़ से सीधा दो हज़ार करोड़ देन इसमें बताया गया कि कौन सा स्टेट अभी सबसे आगे गया तो इसमें आपका महाराष्ट्र आता है ठीक है बताया गया देन आपका तमिलनाडु है दिल्ली हरियाणा ये सब इनका सिकर्स बता रखा है आप यूज़ कर सकते हो देन आप एक नेक्स्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है देखा जाए तो हम सोचते हैं कि पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक कौन कहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं तो इसका आंसर आपका प्राइवेट बैंक है ठीक है और अमाउंट के मामले में भी, भी प्राइवेट बैंक का जो अमाउंट ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है वो आपका प्राइवेट बैंक है तो दैट्स तो थोड़ा सा शॉकिंग बात हो जाती है यूजली हम सोचते हैं कि सरकारी बैंकों में फ्रॉड होते हैं देन बात हो जाती है कि रीज़न क्या है फ्रॉड होने के तो पहला रीजन मतलब जो रीज़न है नॉर्मल आपके कॉमर्स है इनशफिश कहने के लोगों में जागरूकता नहीं है अभी इन चीज़ों के लेकर एजुकेशन नहीं है प्रॉपर हम तो समझ जाते हैं पर हमारे पेरेंट्स अभी भोले उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का तो उनको फसा देते हैं बहला फुसला के देन हॉटस्पॉट के मामले में बात करें तो आपका भरतपुर राजस्थान का टॉप पे है देन आपका मथुरा यूपी का ये सब स्टेट्स बता करके कौन सा आपका हॉटस्पॉट बनेगा कहाँ से चोरी मतलब कहाँ से फ्रॉड करते हैं तो एटीन परसेंट केसेज में आपके भरतपुर से ट्रेस करी जाती है जो कि कॉल वगैरह होती है तो वो बताया गया मेजर के मामले में बात करें तो अब तक गवर्नमेंट ने क्या क्या, -क्या स्टेप लिए हैं तो आपका इसमें अभी दो में पॉलिसी आई थी आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके मामले में बात करी थी तो इंडियन साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है आपके इफेक्टिवली आपका सर्टिन प्रोग्राम था जिसके अंदर आपका एफर्ट्स और ये थ्रेट्स के मामले में पहले बता दिया दे जाएगा देन आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आ गया बैंक्स में अब आप। और आपका इसके अलावा ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं देन आपका साइबर स्वच्छता केंद्र है आई फोर सी है देन आपका एन सी आई पी सी और आपका ये है जिसके अंदर इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है देन आपका एन सी आई पी सी का है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर है देन आपका ये एक्ट था दो हज़ार एक्ट का देन हमारा आज का ये लास्ट आर्टिकल था जिसमें बात करी थी हमारा आर्टिकल आया था हिंदू में जिसमें बोला गया था कि लगभग आपका जो पोर्टफोलियो एफ होता है ना वो आपका काफ़ी ड्रॉपडाउन हो गया ड्रॉपडाउन किस सेंस में आपका देखा जाए तो पैसे जो होते हैं ना अभी मैं बताऊँगा होता गया तो एट्टी थाउजेंड करोड़ के आसपास जो पैसा था जो इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट कर रखा था जिन्होंने उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया पैसा तो दैट्स वेरी सैड न्यूज़ फॉर इंडिया तो अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एफ ए आई और एफ डी ए होता गया तो पहले तो मैं एफ पी आई बता देता हूँ एफ पी आई के केसेस में क्या होता है कि जो पर्सन बाहर के पर्सन है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक के फॉर्म में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं और एफ डी आई के मामले में होता है आपका फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें जो पर्सन है वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है आपके डेवलपमेंट में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट में या किसी कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर वो पैसा लगा रहा है अपना इसमें तो आपका स्टॉक और बॉन्ड में और यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें आपका एक्टिव जो इन्वेस्टर होता है वो कहने के एक्टिव होता है इसमें पैसे होता है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहने के शेयर होल्डर बन जाता है उस प्रोजेक्ट का ये बता बताए रखा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, है कंट्रोल के मामले में बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं हाई कंट्रोल रहता है यहाँ पे वेरी लो कंट्रोल रहता है टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में कि लंबा टर्म है शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई के मामले में और यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है छोटे टाइम के लिए होता हो सकता है वो जल्दी निकाल लें आपका स्टॉक और बॉन्ड में जो पैसा लगाए एफिशियसी के मामले में बात करे जाए तो आपका ये मोर्स एफिशेंट है ये आपका लेस एफिशिएंट है ये बता रखा है कि फिजिकल एसेट आपका फॉरन कंट्री नॉर्मल चीज़ है दैन आप एंट्री एंड एग्जिट के मामले में बात करें तो यहाँ पे भाई पर्सन ने पैसा लगाया तो वो कुछ करेगा भाई मैंने पैसा लगाया तो कुछ रिटर्न भी आए तो कहीं ना कहीं यहाँ से डिफिकल्ट हो जाता है पैसा निकालना क्योंकि उसमें अपना लिक्विड फॉर्म में कर दिया एक तरह से ना सॉलिड फॉर्म कर दिया एसेट्स को मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा लगा दिया बिल्डिंग बनाने में तो एसेट्स क्रिएशन हो जाता है तो वहाँ से पैसा निकालना मुश्किल है यहाँ पर रिलेटिवलीजी है स्टॉक या बॉन्ड में लगाया तो वो पर्सन आपके बेच के जा भी सकता है वापस या आपका कहीं न कहीं ट्रांसफर ओफाइन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिसोर्स एलोकेशन आपका इसमें हेल्प करता है ये आपका कैपिटल इन्फो मतलब पैसा आ रहा है कंपनी में बस इतना सा काम होता है रिस्क इन्वॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी कंट्री को ये आपका वॉलेटाइल होता है तो पर्सन कभी भी पैसा लेके निकल सकता है तो वो बात हो जाती है तो एक बात हो जाती है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है इंडिया मतलब किसी भी कंट्री के लिए तो एफ ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट uh, इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे तो आपका सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है वो ठीक है और वो बताई दिया आपका ये लॉन्ग टर्म होता है ये आपका शॉर्ट टर्म होता है और और बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल है ये वोलेटाइल है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकनॉमिक्स के मामले में आप कहना वन डे एग्जाम या फिर एस में भी पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंस क्या होता है एफ और एफ में तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों के मामले में चलिए ये हमारा ये हमारा लास्ट आर्टिकल था आज का अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी क्योंकि थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करा अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि ये मोटिवेटेड रहे आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मैंने बताया दिया था तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं आप दिन का तो थैंक यू